खैर मैं गूगल क्लासरूम देखती हूँ किसका क्या स्टेटस है। लेट्स चेक। आपको अभी तक मेरी स्क्रीन तो नहीं नजर आ रही, क्या आ रही है? ऑलराइट, मैं स्क्रीन नहीं, मैं तो नजर आ रही थी ना, अब स्क्रीन नजर आ रही। ऑलराइट, सो मैं ये पूछ रही थी कि लगता है कि अभी तक किसी और टीचर ने आपकी क्लास नहीं ली थी, मेरी मेरी क्लास से पहले। ऑलराइट, मैं गूगल क्लासरूम में आई जस्ट वांट टू सी कि क्या सूरत हाल है, किस किस ने क्या चीज़ सबमिट की। मिड टर्म एग्ज़ाम 4 लोगों ने टर्न इन कर दिया, वेरी नाइस। बाकी 11 लोग अगर मुझे नज़र आ जाएं कि कौन है। आपने अपलोड किया है, एंड्रयू रहता है, बुशरा आपका एग्ज़ाम रहता है, अच्छा बुशरा, अच्छा चलें देख लीजिएगा, दोबारा कर दीजिएगा क्योंकि इस वक्त इसमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और दाऊद, मरियम, मिनाहिल, मिनाहिल आपके ही थी, आपने अपलोड कर दिया, अच्छा। और असफन यार, मोहम्मद अहमद, मुआज, उमर वकास और सादिया, मोहसिन अजीज। ऑल राइट, ओके। तो ये आज पहली क्लास के लिए तो हम ये कर सकते हैं कि अगर तो आप लोग सब लोग इन टाइम अपलोड कर रहे हैं या आज के दिन में अपलोड कर रहे हैं तो मैं देख लूं कि हम क्या करें। अदरवाइज हम ये करते हैं कि मीन वाइल एक वी कैन गो थ्रू वन ऑफ द रीडिंग्स। और आपके लिए फ्यूचर में मैं खास तौर पे फॉर बिकॉज वी आर यूजिंग हैंग आउट, तो मैं सजेस्ट यही करूँगी कि जो गूगल क्लासरूम में आपको एडवांस रीडिंग नज़र आ रही होती है, डेडलाइन नज़र आ रही होती है, उसको आप ज़रूर ट्राई रीडिंग इट बिफोर हैंड, ठीक है। अगर आप गूगल क्लासरूम देखेंगे तो गूगल क्लासरूम में आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा, जो आपका ये पेज है, इस पेज पे हर रीडिंग के ऊपर डेट लिखी हुई है। कैन यू सी के डेट लिखी हुई है यहाँ पे? अगर आप क्लास वर्क में जाएं तो आपको असाइनमेंट्स, क्लास रूल्स, क्लास ब्रीफिंग और हर एक पे डेट नज़र आ रही है। सेंसरशिप 2 मार्च, मामीज एंड मेट्रियार्क्स 9 मार्च, राइट। उसके बाद आपका ब्रेक आ गया, ओरिएंटलिज्म इन फ्यूचर। तो आपको इस वक्त गूगल क्लासरूम की हद तक तो मेरी आप सबको एक सजेशन है कि प्लीज़ कोशिश करें कि इन फ्यूचर आप लोग सबको आवाज़ आ रही है ना क्लियरली? हाँ, तो कोशिश करें कि इन फ्यूचर अगर आप उसको बिफोर हैंड रीड कर लेंगे तो ज़रा हमारी डिस्कशन आसान हो जाएगी, वरना मैं बोलती रहूँगी और आप सबसे साथ साथ कहती रहूँगी कि जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो मुझे ज़रा समझाएं क्या लिखा हुआ, ठीक है। ओके, कोई कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने अभी तक एग्ज़ाम लिखना नहीं शुरू किया और कंप्लीशन के करीब नहीं पहुंचा? मोहम्मद अहमद, आपने अपलोड कर दिया? मोहम्मद अहमद, आपको आवाज आ रही? मोहम्मद, अच्छा कौन है? ये कौन है स्क्रीन पे? बिलाल, आपने कर दिया? अच्छा ठीक है, चलें। और शेर अली, आपने अपलोड किया? अच्छा, आज शाम तक कर देंगे, ओके। उमर, उमर एग्जाम का क्या स्टेटस है? जी उमर, स्टार्ट नहीं किया, लगता है कि उमर इज नॉट हियर। मिनाहिल इज अपलोडिंग। मतीन, आपका क्या स्टेटस है? अच्छा, वर्किंग कंप्लीट हो जाएगा?
और जी, बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं पेश आ रही किसी कॉन्सेप्ट में? गूगल क्लासरूम में जब आप जाते हैं तो मेरी आपको सजेशन है कि आप वहाँ पे क्लासरूम क्लास वर्क क्लिक करें, क्योंकि गूगल क्लासरूम में ऊपर जो है, अगर आप देख रहे हो तो गूगल क्लासरूम में यहाँ पे मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं गूगल क्लासरूम के अंदर। ये आप ऊपर देख रहे हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। तो अगर आप क्लास वर्क क्लिक करेंगे तो आपको ढूंढने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये हर चीज़ जो है वो ऑर्डर में लिखी हुई है, कि यहाँ पे क्लासेस, पहली क्लास आपकी 10 फरवरी को थी, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 10 फरवरी, उसके बाद ये वीकली चल रहा है। सो अगर आप गूगल क्लासरूम में क्लास वर्क क्लिक कर लेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मटेरियल ढूंढने में, क्योंकि यहाँ टॉपिक्स के साथ लिखा हुआ है। बस उसकी हद तक आप देख लें कि आप गूगल क्लासरूम में यू आर क्लिकिंग द राइट बॉक्स। ठीक है, ऑल राइट। सो मैं आपसे ये कह रही थी कि अगर तो आप लोग, सब लोग अपलोड कर देंगे आज, तो हम फिर ये कोशिश कर सकती हूँ कि आपको पहली क्लास में हम बहुत ज़्यादा रीडिंग वगैरह पे ना जाएं। आई गिव यू टाइम टू सबमिट एग्ज़ाम टुडे, राइट? और बेसिकली अगर एग्ज़ाम का स्टेटस थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है कि कोई सबमिट नहीं कर सकेगा, तो मीन वाइल वी कैन स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ओरिएंटलिज्म से सब क्लियर है क्या है? जब तक सब लोग आ रहे हैं तो मैं ये कर सकती हूँ कि थोड़ी देर आप लोगों के साथ चंद एक क्लिप्स देख लूँ यूट्यूब पे। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, चंद क्लिप्स देख लेते हैं। उसमें से एक तो ये हमारा जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं जी, क्या हुआ नेहा है? जिस वक्त हम स्क्रीनिंग कर रहे होंगे उस वक्त मेरी आपको सजेशन है कि अपने माइक्रोफोन्स म्यूट कर दें, ठीक है, ताकि ऑल राइट, ओके। अच्छा, ऑल राइट, शेरली, नेहा, मतीन, आप सब लोग अपने माइक्रोफोन्स थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें, ठीक है? All right. Orientalism is a Western fantasy world consisting of a mix of made-up parts along with themes from North African, Middle Eastern, East Asian and South Asian cultures. Orientalism has played a vast role in Western advertising. It consists of themes such as magic, sexuality, barbarism, hedonism, and so forth. Structure of Orientalism is nothing more than a structure of deceptions and oddness. Orientalism designed to challenge the bias embedded of the Western population. Orientalism became a great way to sell things and interest Western population all around the world using movies, books, ads, fashion, and so on. In the movie The Interview, it operates within the discursive framework of Orientalism. It is portrayed as exotic in comparison to Western standards and subjugated by the countries of the West, and basically the whole film includes the controversies within Orientalism framework. In these movies like Aladdin and The Dictator, there is a settled type of characterization that the West essentialized these societies as underdeveloped, primitive, romanticized and represents them with false cultural and stereotypes.
In Katy Perry's music video Dark Horse, it illustrates how cultural appropriation continues to be manifested on a global scale through celebrity artists using different styles of exotic cultures and themes. Even in Axe, it's using the theme sexuality by having sexual phrase and attraction from the woman and man in the ad. This way it gets the audience attention. Overall, Orientalism is not a new idea, but it continues to permeate in the world. It is important to keep in mind, because it is a learned field of study that has been continuing to change and develop over time. I'm sure you are familiar with these concepts. Orientalism ke concept se to aap sab log clear hain ki nahin clear? Achha. So basically ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रोफेसर एडवर्ड सईद इसने ये सारी डिस्कशन स्टार्ट की थी और बेसिकली एडवर्ड सईद का कहना ये था कि ओरिएंटलिज्म जो है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्ट ने पिछले 200 इयर्स से अबाउट ईस्ट क्रिएट किया हुआ है एनी आइडिया कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं राइट अबाउट 22 कंट्रीज हैं ठीक है और जिसमें आपका कंप्लीट मिडल ईस्ट भी आ जाता है सो व्हाट विल डू कि हम इसका ये यहाँ पे एडवर्ड सईद खुद मौजूद है हमने वैसे टॉपिक तो जो विमेन के हवाले से क्रिएट किया हुआ लेकिन इसका थोड़ा सा हम स्टार्ट देख लेते हैं ताकि सईद की जो भी कॉन्सेप्ट था हम Orientalism tries to answer the question of why, when we think of the Middle East, for example, we have a preconceived notion of what kind of people live there, what they believe, how they act, even though we may never have been there or indeed even met anyone from there. More generally, Orientalism asks, how do we come to understand people, strangers, who look different to us by virtue of the color of their skin? The central argument of Orientalism is that the way we acquire this knowledge is not innocent or objective, but the end result of a process that reflects certain interests. That is, it is highly motivated. Specifically, Sayyid argues that the way the West, Europe and the US, looks at the countries and peoples of the Middle East is through a lens that distorts the actual reality of those places and those people. He calls this lens through which we view that part of the world Orientalism, a framework that we use to understand the unfamiliar and the strange, to make the peoples of the Middle East appear different and threatening. Professor Sayyid's contribution to how we understand this general process of what we could call stereotyping has been immense. The aim of this program is to explore these issues through an interview with him. He starts by discussing the context within which he conceived Orientalism. Well, my interest in Orientalism began for two reasons. One was an immediate thing, that is to say, the Arab-Israeli War of 1973, which had been preceded by a lot of images and discussions in the media and the popular press, you know, about how the Arabs are cowardly and they don't know how to fight and they're, you know, always going to be beaten because they're not modern. And then everybody was very surprised when the Egyptian army crossed the canal in early October of 1973 and demonstrated that, you know, like anybody else, they could fight. So that was one immediate impulse. And the second one, which has a much longer history in my own life, was the constant sort of disparity I felt between what my experience of being an Arab was and the representations of that that one saw in art. I mean, I'm talking about very great artists, you know, like Delacroix and Ingres and Jérôme and people like that, novelists who wrote about the Orient, you know, like Disraeli or Flaubert. And, you know, the fact that those representations of the Orient had very little to do with what I knew about my own background in life. So I decided to write the history of that. If somebody, let's say in the 1850s or 60s in Paris or London,
wished to talk about or read about India. Or Egypt, or Syria, there would be very little chance for that person to simply address the subject, as we like to think, in a kind of free and creative way. A great deal of writing had gone before, and this writing was an organized form of writing, like an organized science, you know, what I've called Orientalism. And it seemed to me that there was a kind of repertory of images that kept coming up, you know, the sensual woman who's there to be sort of used by the man. The East is a kind of mysterious place full of secrets and monsters, you know, the marvels of the East was a phrase that we've used. And the more I looked, the more I saw that this was really quite consistent with itself. You know, it had very little to do with people who'd actually been there. And even if they had been there, there wasn't much modification. In other words, you didn't get what you could call realistic representations of the Orient, either in literature or in painting or in music or any of the arts. And this extended even further into descriptions of the Arabs by experts, you know, people who had studied them. And I noticed that even in the 20th century, some of the same images that you found in the 19th century, amongst scholars like Edward William Lane, who wrote his book on the modern Egyptians in the early 1830s. And then you read somebody in the 1920s, and they're more or less saying the same thing. One great example that I always give is that the wonderful French poet, Gérard de Nerval, who went on a voyage to the Orient, as he called it. And I was reading this book of his travels in Syria, and there was something very familiar about it. You know, it sounded like something else that I'd read. And then I realized that what he was doing almost unconsciously was quoting Lane on the Egyptians, on the theory that the Orientals are all the same, no matter where you find them. I mean, it's in India or in Syria or in Egypt. It's basically the same essence. So there develops a kind of image of the timeless Orient, as if the Orient, unlike the West, doesn't develop. It stays the same. And that's one of the problems with Orientalism, is it creates an image outside of history, of something that is placid and still and, you know, eternal, which is simply contradicted by the facts of history, you see. So that's, in that one sense, it's a creation of you might say, an ideal other for Europe. Ji, concept clear ho gaya, I think, ke... मिनाहिल आप जो कह रही थी कि मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूं, गूगल क्लासरूम में सारी चीज़ें मौजूद हैं सिंस लास्ट टू मंथ्स. सो अगर आप गूगल क्लासरूम में क्लासवर्क में जब आप क्लिक करेंगी, ये क्लिक करेंगी, ये मैंने यहाँ क्लासरूम से ही लिंक अभी खोला था, आप देख रही हैं गूगल क्लासरूम में क्लासरूम क्लिक हुआ हुआ है, और फिर ओरिएंटलिज्म एंड जेंडर मार्च 30th लिखा हुआ है, उसके नीचे ये सारे लिंक्स और वीडियोज़ मौजूद हैं. और ये जो मैंने आर्टिकल खोला है वो भी ये यहाँ पे मौजूद है, एक्सोटिक इरोटिक एंड डेंजरस के नाम से, ठीक है. सो बेसिकली जो मैं आपको अभी दिखा रही थी वो सिर्फ इतना था कि जो आपका जो कॉन्सेप्ट है ओरिएंटलिज्म के पीछे, ये यहाँ पे ये सारे मैंने क्लासरूम से यूट्यूब पे गई थी मैं यहाँ पे. तो आप काफ़ी पुरानी आपको फिल्म्स नज़र आएंगी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी नज़र आएगी, अलादीन जो है वो भी काफ़ी सालों से उसके काफ़ी आ चुके हैं. सो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल क्लासरूम में वो लिंक भी मिलेगा जिसमें उसने डिस्क्राइब किए हुए हैं. इन वीडियोस को अगर आप खोल लेंगी तो यू विल फाइंड कि इसमें से एक छोटे छोटे से क्लिप्स हैं, 1 मिनट 2 मिनट. सिर्फ ये सईद वाला जो है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एडवर्ड सईद ऑन ओरिएंटलिज्म, ये है 40 मिनट्स का. बाकी सारे क्लिप्स जो हैं दे आर हार्डली 2-3 मिनट्स 10 मिनट्स लॉन्ग, इससे ज़्यादा कोई लंबा नहीं है, मोस्टली 3 to 2 to 3 मिनट्स ही हैं. सो इसमें अगर आपको कुछ देखना है तो यू कैन लुक एट दीज क्लिप्स, और उसमें आपको ओरिएंट की यू विल फाइंड रिप्रेजेंटेशंस, जो कि अभी एडवर्ड सईद जो आप जो स्टार्ट किया उसने, ही सेड व्हाई ही केम अप विद दिस टॉपिक, बिकॉज उसको पिछले 200 ईयर्स की पेंटिंग्स में और लिटरेचर में और मुख्तलिफ चीज़ों में जो आपके ट्रैवलर्स होते हैं और पोइट्स हैं, उन सारी चीज़ों में उसको नज़र आ रहा था कि यूरोपियन टूरिस्ट जब भी गया ईस्ट, तो उसने ईस्ट हो मिडल ईस्ट इन पर्टिकुलर किस तरह से पेंट किया,
उसमें इफ यू लुक एट द इमेजेस, तो वो इमेजेस में सिंपली यही कह रहा था कि ये ओरिएंटल विमेन जो हैं आप तो मुख्तलिफ जगहों पे इस पर्टिकुलर एडवर्ड सईद वाले में उसने पेंटिंग्स अगर आप देखें थे ना कि शुरू के पार्ट में उसने यहाँ पे ये उसने बुक्स मेंशन की, ये उसने कि अगर वो इंडिया से है, मिडल ईस्ट से, इजिप्ट से, जहाँ से भी है, ही सेइंग ऑल दीज पीपल जो हैं वो ओरिएंट में इस तरह के लोग नज़र आते हैं जो कि बहुत क्रूड, और ओरिएंटल विमेन जो हैं उसकी भी एक ख़ास तरह की प्रेजेंटेशन है, ओरिएंटल वुमन जो है फॉर द वेस्ट ओरिएंटल वुमन लुक्स लाइक दिस। सो बेसिकली और फिर जो पेंटिंग्स में आपको विमेन नज़र आएंगी उसकी उसकी उसने रिप्रेजेंटेशंस को डिस्कस करते हुए जस्ट सेइंग के ओरिएंट की जो है पिछले फॉर द पास्ट 200 ईयर्स ओरिएंट को वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। उसने व्हाट ही सेड के चाहे वो नेवाल हो, फ्रेंच पोएट या लेन हो, बेसिकली दे आर राइटिंग सिमिलर थिंग्स अबाउट ओरिएंट, जिसका मतलब ये है कि पीपल आर अनएजुकेटेड। उसने स्विस कैनाल से स्टार्ट किया कि दे थॉट कि अरब्स तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बट व्हेन दे रियलाइज कि दे क्रॉस्ड द कैनाल तो एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, बिकॉज ओरिएंट इज कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे लोग इलिटरेट हैं, विमेन एग्जॉटिक हैं और मेल जो है वो बारबेरिक ज़्यादा है। अटेंडेंस मार्क कर लूँ, लेट मी सी। प्लीज एंड्रयू डेविडसन, बुशरा, एंड्रयू प्रेजेंट है, ओके, बुशरा, दाऊद, हमजा, मरियम, मतीन, मिनाहिल, असफंदियार, जी जी मिनाहिल, मैंने मिनाहिल आपको मैंने आपको प्रेजेंट ही मार्क किया है। असफंदियार ऐड, ऑल राइट, मुआज, लिंक तो मैंने गूगल क्लासरूम में पेस्ट किया हुआ था। जी बिलाल, ऑल राइट, नेहा है, उमर बकास, उमर प्रेजेंट है, हाँ नाम तो बोलना पड़ेगा, ऑल राइट, क्योंकि यहाँ से अब दोबारा देख ली, नहीं मैं तो आज आज एग्जाम की वजह से तो मैं सबकी लगाना चाह रही थी, सो आई गरीबों की दुआ। ऑल राइट, एग्जाम अटेंडेंस में सारों की लगा लेती हूँ, और दाऊद रामे का को मैंने कभी देखा नहीं, तो एनीबडी नोस कि उसका क्या स्टेटस है अभी तक? जी ऑल राइट, सो ही इज नॉट हियर,
ओके मैं इसको अभी बस थोड़ी देर में फिर सेव करती हूँ. ऑल राइट. क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको आज एग्जाम सबमिशन में प्रॉब्लम है? अच्छा एंड्रयू, बुशरा, हमजा, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये गूगल हैंडआउट में नॉर्मली आ रहा होता है कि कौन आया है. असफंदी जी. जी नहीं, मैंने अभी तो आप सबको मैंने यहाँ पे प्रेजेंट मार्क कर दिया. और वॉट आई विल डू, सिर्फ मैंने दाऊद रामे को नहीं प्रेजेंट मार्क किया बिकॉज आई एम नॉट श्योर. नहीं, आई हैव नेवर सीन हिम इन क्लास ना. प्लीज थोड़ी देर अपने माइक्स बंद कर दें. मोहम्मद का माइक ऑन है. और मोहम्मद आपका, हाँ सबका माइक ऑफ हो गया. ऑल राइट. माइक मोस्टली ऑफ ही रखें और मीनवाइल हम ये करते हैं कि हम ये बाकी की फिल्म देख लेते हैं. और सजेशन ये है कि आप इसमें गूगल क्लासरूम में सारी चीज़ें देख लें ताकि हमारे लिए नेक्स्ट क्लास में टॉपिक की डिस्कशन आसान हो जाए. ओके isn't just a description of its content, but a sustained argument for why it looks the way it does. It's an examination of the quite concrete historical and institutional context that creates it. Specifically, Said locates the construction of Orientalism within the history of imperial conquest. As empire spread across the globe, historically the British and the French have been the most important in terms of the East. They conquer not only militarily, but also what we could call ideologically. The question for these empires is, how do we understand the natives that we are encountering so we can conquer and subdue them easier? This process of using large abstract categories to explain people who look different, whose skin is a different color, has been going on for a long time, as far back as there has been contact between different cultures and peoples. But Orientalism makes this general process more formal in that it presents itself as objective knowledge. Said identifies Napoleon's conquest of Egypt in 1798 as marking a new kind of imperial and colonial conquest that inaugurates the project of Orientalism. There was a kind of break that occurred after Napoleon came to Egypt in 1798. I think it's the first really important imperial, modern imperial expedition. So he invades the place, but he doesn't invade it the way the Spaniards invaded the New World, looking for loot. He comes instead with an enormous army of soldiers, but also scientists, botanists, architects, philologists, biologists, historians, whose job it was to record Egypt in every conceivable way and produce a kind of scientific survey of Egypt, which was designed not for the Egyptian, but for the European. And of course, what strikes you, first of all, about the volumes that they produced is their enormous size. They're a meter square. And all across them is written the power and prestige of a modern European country that can do to the Egyptians what the Egyptians cannot do to the French. I mean, there's no comparable Egyptian survey of France. To produce knowledge, you have to have a power to be there and to see in expert ways things that the natives themselves can't see. The differences between different kinds of Orientalisms are, in effect, the differences between different experiences of what is called the Orient. I mean, the difference between Britain and France on the one hand and the United States on the other is that Britain and France had colonies in the Orient. I mean, they had a long-standing relationship and imperial role in a place like India. Yeah? So that there's a kind of a archive
of actual experiences of being in India, of ruling the country for several hundred years, right? And the same with the French in North Africa, let's say Algeria or Indochina, direct colonial experience. In the case of the Americans, the experience is much less direct. I mean, there's never been an American occupation of the Near East. So I would say the difference between British and French Orientalism on the one hand and the American experience of the Orient on the other is that the American one is much more indirect. It's much more based on abstractions. The second big thing, I think, the difference in the American experience from the British and the French of Orientalism is that American Orientalism is very politicized by the presence of Israel, for which America is the main ally. And President Clinton and I are proud, as are all Americans, that the United States was the first nation to recognize the State of Israel 11 minutes after you proclaimed your independence. And what you have, in effect, is the creation of a Jewish state in the middle of the Islamic Oriental world. And the sense that because it's a Jewish state and a Western state, self-declared, there is a greater coincidence between American interests there than there is between American interests, let's say, in places like Iran and Saudi Arabia, which are important because of oil. I think the presence of this other factor, which is very anti-Islamic, where Israel regards the whole Arab world as its enemy, is imported into American Orientalism. I mean, the idea, for example, that Hamas terrorists on the West Bank are just interested in killing Jewish children is what you derive from looking at this stuff. And very little attention is paid to the fact that the Israeli occupation of the West Bank and Gaza has been going on for 30 years. It's the longest military occupation in this century. And so you get the impression that the only problem is that, you know, Israeli security is threatened by Hamas and suicide bombs and all the rest of it. And nothing is said about the hundreds of thousands, millions of Palestinians who are dispossessed and living miserable lives. It's the direct result of what Israel has done and is doing. So there's a sense in which the Arab struggle for national independence and, in the case of the Palestinians, for national self-determination is looked at with great hostility as upsetting the stabilities of the status quo. And that makes it virtually impossible, it's a tragedy, virtually impossible for an American to see on television, to read books, to see films about the Middle East that are not colored politically by this conflict, in which the Arabs almost always play the role of terrorists and violent people and irrational and so on and so forth. That's another thing that America really needs to think about is our racism that comes from the United States towards Muslim people and towards Arabic people. And that's something that has to stop. And the United States has to start respecting people from the Middle East in order to find a solution to the problem that's been building up over many years. So I thank everyone for your patience in letting me speak my mind on that. Repeating the lines of the people who have the most influence, for whom Islam is a useful foreign demon to turn attention away from the inequities and problems in our own society. So, as a result, the human side of the Islamic and especially Arabic world are rarely to be found. And the net result is this vacancy on the one hand, and these easy, almost automatic images of terror and violence. There is a handy set of images and cliches, you know, not just from the newspapers and the television, but from movies. I come from a land, from a faraway place, where a caravan camels roam. Where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. When the wind's from the east and the sun's from the west and the sand in the glass is bright, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night.
कोई रिएक्शन है इसके ऊपर, ये जो आपने अलादीन का क्लिप देखा? हाँ, वीडियो क्लासरूम में मौजूद है। आई वुड सजेस्ट कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले ये जो सईद का था इसको एटलीस्ट वीडियो को ज़रूर देख लें, बिकॉज सईद का जो वीडियो है इट गिव्स कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ओरिएंट ओवर कपल ऑफ सेंचुरीज। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपका वो अलादीन का जो लिरिक्स थे स्टार्ट में, वो फार अवे लैंड जहाँ पे बारबेरिक, उसने एग्जॉटिक बारबेरिक इस तरह की उसने डिस्क्रिप्शंस दे के ओरिएंट को एक्सप्लेन किया। सो अरेबियन नाइट्स बड़ी पॉपुलर हैं, हॉलीवुड की बेशुमार फिल्म्स इस टॉपिक पे आती रहती हैं, टेल्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कलर की बेसिस पे उसको वाइट मैन जो है इम्पीरियल थॉट, खासतौर पे फ्रेंच और ब्रिटिश जो हैं उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको बहुत ज़्यादा क्रिएट किया, एक्सप्लॉयट किया, और अमेरिकन्स ने उसको इंतहाई पोलिटिसाइज कर दिया। मैं शुड आई सेव द अटेंडेंस? मैंने आपसे कहा कि ये जो दूसरा आर्टिकल मैंने खोला हुआ है ये गूगल क्लासरूम में मौजूद है। दिस इज़ अबाउट साउथ एशियन वुमेन इन पॉपुलर फिल्म, जो कि हॉलीवुड फिल्म पे इन पर्टिकुलर। इस आर्टिकल को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल की डिस्कशन से पहले आई जस्ट वॉन्टेड कि यू फुली अंडरस्टैंड कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है क्या, कि क्योंकि एग्जॉटिक इरोटिक एंड डेंजरस साउथ एशियन वुमेन के पीछे असल में ओरिएंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है। और हम जी और हम जो है इस आर्टिकल को पढ़ के ये इट कम्स एज अ सरप्राइज बेसिकली, क्योंकि हम वेस्ट के बारे में जो हमारे कॉन्सेप्ट रहे हैं ओवर पास्ट 200 ईयर्स, के वेस्टर्न वुमन जो है वो बहुत मॉडर्न है, लिबरल है, एशियन आईज जो वेस्टर्न वुमन को जिस तरीके से देखते हैं, दिस आर्टिकल एक्चुअली शोज के बहुत छोटा सा आर्टिकल है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको देख ज़रूर लें, क्योंकि ये हार्डली 2-3 पेज, टू टू आप ये देख रहे हैं, पेज 3 के स्टार्ट में ही आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। सो इसमें इट ओनली सेज के जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड फिल्म में ईस्टर्न वुमन को डेंजरस एंड एग्जॉटिक दिखाया गया है, और वो उस डेंजर को किस तरीके से किससे एक्सप्लेन करते हैं। आपके लिए सरप्राइजिंग ये होगा कि हम जो वेस्टर्न वुमन के बारे में फॉर द पास्ट 200 ईयर्स और 300 ईयर्स वेस्टर्न वुमन के बारे में जो हम लोग कहते रहे हैं, वही चीज़ जो है वो वेस्ट जो है हमारी एशियन वुमन के बारे में कहता रहा है और अरब वुमन के बारे में। ठीक है, बिल्कुल हॉलीवुड फिल्म जो है उनको एक खास तरीके से प्रेजेंट करती है। तो ये मैं आपको एक सेकंड क्लिप और दिखाती हूँ, और साथ में विमेन के क्लिप्स भी यहाँ पे मैंने डाले हुए थे कि विमेन जो है उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देयर वर ये ओरिएंटलिज्म इन फिल्म, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, छोटा सा वीडियो है जिसमें इट्स सेइंग कि जी ओरिएंटलिज्म एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। ये एक और यहाँ पे आपको क्लिप नजर आ रहा होगा, तो आई आर देयर रियली वुमेन अंडर देयर सी। सो मैं आपसे ये कही थी कि ये या तो वुमन को डांसर दिखाएंगे और या फिर ऑप्रेस्ड वुमन दिखाएंगे। यहाँ पे अगर आप ये आप देखें, ये दोनों कंट्रास्ट आपको इसी छोटी सी जगह पे हॉलीवुड में ये दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है ऑफ साउथ एशियन वुमेन। ठीक है, हाँ, वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये चाहे वो इस तरह की है या इस तरह की, दोनों सूरतों में द वुमन इज ऑब्जेक्टिफाइड,
और साथ में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाइट वुमन नजर आ रही है, इज शी वाइट, ये वाली जो है वुमन ऑन दिस साइड ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। और साथ ही उसने क्वेश्चंस भी रेज कर दिया, ये जो एक बच्चा नजर आ रहा है पीछे, शटल कॉक वाली औरतें नजर आ रही हैं, ये यू विल बी सरप्राइज कि अगर आपने इस्लामाबाद में F114 का एरिया देखा है, ठीक है, तो राइट साइड पे आपको मिलेगा मेट्रो कैश एंड कैरी इस्लामाबाद F114 में, और लेफ्ट साइड पे डिपेंडिंग कि आप कौन से साइड पे रोड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो मेट्रो कैश एंड कैरी के ऑपोजिट ये एक उनका है नियर देयर, ये कच्ची आबादी सी है। यहाँ से आई वॉज पासिंग बाय तो मुझे एक ऐसी शटल कॉक वाली औरत नजर आई, एक 10-12 साल का बच्चा उसके आगे वॉक था और वो उससे 8-10 कदम पीछे चल रही थी, तो मैंने अपना कैमरा ऊपर किया टू टेक अ पिक्चर, और साथ ही उस छोटे से बच्चे ने अपना हाथ उठाया शोइंग मी यू नो लाइक अपना फुल हाथ दिखाते हुए कि आई शुड नॉट टेक द पिक्चर। सो बेसिकली वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी वुमन शुड वॉक बिहाइंड, सो आई वॉज जस्ट सीइंग कि ये 10-12 साल का बच्चा भी अपनी माँ से 12-15 कदम चंद कदम आगे चल रहा था, एंड ही वॉज इन कंट्रोल ऑफ फुल सिचुएशन कि क्या करना चाहिए। ठीक है, सो आपको लेट्स ट्राई टू सी दीज टू क्लिप्स। Oh, beloveds, O men of the desert, my Lord Muhammad's blessings and peace be upon him commands me to speak, for I am the Mahdi, the expected one, and I am sprung from the forehead of the family of my Lord Muhammad, blessings be upon him. Oh, my beloveds, did I not promise thee a miracle would fall from heaven from the Prophet Muhammad? And was not this so? You again, I will see to that. Really? You tried once before and she burnt your tent. This time, if she resists me, I will cut her throat. What is it, Arnie? Oh my God. They found me. I don't know how, but they found me. Work hard, Arnie! Who? Who? Who do you think? The Libyans! Holy shit! And immense, and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. When the wind's from the east, and the sun's from the west, and the sand in the glass is right, come on down, stop on by, hop a carpet and fly to another Arabian night. Arabian nights, like Arabian days. More often than not, are hotter than hot in a lot of good ways. Arabian nights, neath Arabian moons, a fool off his guard could fall and fall hard out there on the dunes. I will give you £100 to save this man's life.
them. I would pay £100 just to see him hang. £200. Proceed. £300. Any last request, pig? Yeah, loosen the knot and let me go. Yeah, man. Of course we don't let him go. Yalla, but that! £500. Walk off, Andak. And what else? I'm a very lonely man. Yalla, clutch! No! His neck did not break! Oh, I'm so sorry. Now we must watch him strangle to death. To Hamunaptra. You lie. I will never. Are you telling me this filthy, godless son of a pig knows where to find the city of the dead? Yes. Truly? Yes. And if you cut him down, we will give you 10%. 50%. 20. 40. 30. 25. Deal. जी मुख्तलिफ क्लिप्स थे. एनी रिएक्शंस ऑन द क्लिप्स? खास नहीं. सारी फिल्म्स देखी हुई है, ये तो बड़ी अच्छी बात है. ऑल राइट. सो हाँ, ट्रू लाइज तो 1990s की है. शुरू में जो वो क्लिप्स दिखा रहे थे वो 90s जी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया एंड खरतूम दोनों 1960s के थे, अर्ली 60s के. और ये लास्ट जो था वो मम्मी रिटर्न्स का था क्लिप. तो आई थिंक कि ये तो ज़रूर आपने देखी होंगी क्योंकि ये सारी सुपर हिट फिल्म्स थी. सो इन टर्म्स ऑफ हम आपसे जो मैं पूछी थी ओरिएंटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ इज़ इट शोन, क्योंकि अगर आप उसको स्टार्ट में भी अगर देखते तो स्टार्ट से एंड तक जो इमेजेस हैं, बीच में प्रॉफिट मोहम्मद का नाम भी आया और काफ़ी सारी और चीज़ें आती रहीं. मतलब लॉरेंस ऑफ अरेबिया के क्लिप्स में नॉट अ प्रिजनर, नॉट अ प्रिजनर, साथ में वाइट मैन के साथ आपको ब्राउन मैन नज़र आया. और काफ़ी सारे शॉट्स में एक अकेला वाइट मैन जो है वो बहुत सारे ब्राउन मैन के बीच में भी अगर है तो ही वॉज मच वाइजर टू हैंडल सिचुएशंस. ब्राउन मैन जो है वो बिल्कुल आर्किक किस्म के वेपन्स के साथ जो भी कर रहा था वो वाइट मैन की सुपीरियोरिटी को बीट नहीं कर सका. कोई इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ आपको लग रही हो हमजा? कोई स्पेसिफिक इमेज कैन यू टेल कि उस इमेज ने वाइट और ब्लैक मैन या ब्राउन मैन की डिफरेंस को कैसे स्किन कलर के थ्रू एम्फसाइज किया या थ्रू द ड्रेस, कॉस्ट्यूम, वार्डरोब, प्रॉप्स जो हैं कैसे यूज की टू एस्टेब्लिश द डिफरेंस? जी मिनाहिल जी, तो दोबारा बोलिएगा. अच्छा, सो बेसिकली अगर आप एग्ज़ाम में आपसे मैंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि आप जो सीन का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स को यूज़ करें फॉर डिस्कशन, तो बेसिकली क्लास में भी ये थोड़ा सा है कि आप स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इफ़ यू कैन मेंशन कि क्या डिफरेंस नज़र आ रही है.
तो दैट वुड बी एक्चुअली यूजफुल. सो जितने भी सीन्स थे उसमें प्रिमिटिव इमेज सी एक क्रिएट की हुई है ऑफ द ब्राउन मैन. ठीक है. ऑल राइट. सो ये एक जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये तो बिल्कुल 1920s का नजर आ रहा है. ये 1920s की फिल्म है. जी ये आप देख रहे हैं कि 1920s में वॉइस नहीं है, लेकिन ये जो आपको इसमें इसमें क्या नजर आ रहा था वॉइस की रिप्लेसमेंट के तौर पे. हाँ, रिटन टेक्स्ट. जी, एक्सटर्न जेस्चर्स, लेकिन वॉइस की रिप्लेसमेंट जो थी वो रिटन डायलॉग्स से थी. एनी आइडिया कि ये रिटन डायलॉग्स कौन सी फिल्म से स्टार्ट हुए थे? बर्थ ऑफ अ नेशन में आपको रिटन डायलॉग नजर आ रहा है 1914-15 में. और बर्थ ऑफ अ नेशन में जी नहीं, जो बर्थ ऑफ ए नेशन में तो वो हाथ में प्लेकेट्स पकड़ के आते हैं ना. पूरी फिल्म अगर आपने देखी है या पार्टली भी देखा है तो एट मैनी प्लेसेस यू विल फाइंड पीपल होल्डिंग प्लेकेट्स, जो अपना अपना डायलॉग लेके साथ में चल रहे होते हैं. इसमें तो उसने सेपरेटली ऐड किया है डायलॉग को, ये ब्लैक स्क्रीन पे दिया. बर्थ ऑफ ए नेशन में तो कैरेक्टर्स आपको मुख्तलिफ जगहों में हाथों में पकड़े नजर आएंगे अपना अपना डायलॉग. सो विच एक्चुअली शोज के देर वॉज एन अर्ज के वॉइस होनी चाहिए, जो कि बाई 1930s आई थिंक फॉक्स ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था वॉइस को ऐड करने के ऊपर. डिवेलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि फिर एक दफ़ा आ गई तो बाकी सारों ने यूज़ की. इवन ये जो अभी आपको मैंने क्लिप दिखाया था उसमें आप ओरिएंटल और वेस्टर्न, ब्लैक और वाइट के डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई स्पेसिफिक पॉइंट नोट किया कि फ़र्क क्या था उसके अंदर, जो क्लिप अभी प्ले किया था? तो एक छोटा सा सवाल है कि जो क्लिप देखा था उसमें आपको कोई स्पेसिफिक डिफरेंस फील हुई? इस क्लिप में देखिए, इसमें जो दो डायलॉग्स लिखे हुए आए वो बड़े इम्पोर्ट. एग्जैक्टली, कि वो मेल जो है हु इज सपोजिटली ओरिएंटल मेल, तो वो ये कह रहा है कि आई एम नॉट अकस्टम टू के लोग ऑर्डर डिसोबे करें. एंड द वाइट वुमन सेज आई एम नॉट अकस्टम टू टेकिंग ऑर्डर्स. तो वो बेसिकली आपको 1921 की फिल्म थी ये. 1921 डेट लिखी थी इस पे. क्या डेट लिखी थी देखें, द शीक 1921. तो 100 years पहले भी जो वाइट वुमन थी वो इतनी इंडिपेंडेंट थी कि शी इज नॉट टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम एवरीवन एनीवन. सो आई थिंक के ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट, आप देखें ना कि जो रीसेंट इयर्स में ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऑरलैंडो डिजास्टर को यूज़ किया फॉर विनिंग, फॉर फियर मॉन्गरिंग एंड विनिंग इलेक्शन कैंपेन, तो उसके
उसके पीछे भी उसका जो जिस डिफरेंट आइडियाज वो डिस्कस कर रहा था वो यही थे कि अमेरिकन ड्रीम, वुमेन्स इंडिपेंडेंस, गेज इंडिपेंडेंस, इन सारी चीज़ों की वो बात अपनी कैंपेन के दौरान करता रहा था. इफ़ एनी ऑफ यू कैन रिकॉल के ट्रंप की कैंपेन के फीचर्स क्या थे, तो हालांकि ऑरलैंडो डिज़ास्टर में जो डेथ्स थी वो सिर्फ 49 थी इनसाइड द क्लब, और आई थिंक कि बाय द टाइम मिडल ऑफ द ईयर कोई 10 लाख औरतें अबॉर्शन की वजह से हैड डाइड इन अमेरिका. यू नो लाइक 6 महीने में 10 लाख औरतें मर गई बिकॉज ऑफ अबॉर्शन. तो आप अगर अमेरिका का अगर आप गूगल करें ना रियल टाइम डेथ स्कोर, तो आपको सबसे ऊपर ओवर द ईयर्स आपको हमेशा यही नज़र आएगा कि अबॉर्शन टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है, जिसमें विमेन की प्रेगनेंसी के दौरान डेथ जो है वो अमेरिका में सबसे ऊपर है, टॉप ऑफ द लिस्ट है रियल टाइम डेथ स्कोर में. अगर आप जाएंगे तो वो आपके सामने सेकंड्स में डेथ स्कोर चेंज हो रहे होते हैं, और वो अबॉर्शन कभी भी सेकंड नंबर पे नहीं जाता या थर्ड नंबर पे. ठीक है. सो लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, कहने का मकसद ये था कि कंट्री के अंदर जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी, फॉर इंस्टेंस हेल्थ एंड अबॉर्शन जो टॉप था, उसके बाद आपको कहीं मिलेगा कि कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई स्मोकिंग से मर गया, कोई कैंसर से मर गया. लिस्ट ऑफ डिजीज़ एंड लिस्ट ऑफ रीजंस फॉर डेथ जो हॉस्पिटल्स एंटर करते हैं, तो रियल टाइम डेथ स्कोर अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको अमेरिका में मिलेगा. और एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन आई थिंक के शायद 2016 के अराउंड जब आप देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर यही नज़र आएगा कि जी ऑरलैंडो डिज़ास्टर जो है वो बॉटम पे सबसे आखिरी आइटम है कॉज ऑफ डेथ, जिसमें लिखा हुआ है कि शूटिंग बाय अ मुस्लिम, जो कि अगेन अगर आप ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन के साथ इसको रिलेट करेंगे तो वो यही होगा कि वो फियर मॉन्गरिंग एंड डेथ को वो यूज़ कर रहा है फॉर हिज पर्सनल गेन इन इलेक्शन. तो अमेरिका के जो बहुत सीरियस दूसरे इश्यूज हैं उनको इग्नोर करते हुए. ठीक है. सो आपसे मैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये वाला जो एग्जॉटिक इरोटिक, ये गूगल क्लासरूम में पड़ा हुआ है, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1813, उसके बाद लिखा हुआ है 1813 के बाद उसने 80 ईयर्स लेटर 1893, आपको मुख्तलिफ डेट्स इसके अंदर नज़र आ रही होंगी, जिसमें अमेरिकन, क्योंकि उसने कहा कि वेस्ट का तो फ्रांस और ब्रिटेन का तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है ओरिएंट में, अमेरिकन का सिर्फ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है. तो वो अमेरिकन जो हैं वो मिशंस आ रहे हैं, अमेरिका की कॉलोनी तो नहीं रहे ना हम कभी भी. सो बेसिकली वो यहाँ पे आपको वो बता रहा होगा कि जब भी यहाँ पे आया है ओरिएंट में जब भी वाइट मैन आया है, व्हाट दे फाउंड के जो ब्राउन मैन है वो किस तरह का है और ब्राउन वुमन किस तरह की है, वाइल वाइट वुमन इज वेरी इंडिपेंडेंट. ठीक है. एनी कमेंट मरियम? बुशा कोई कमेंट है? ओके. कॉन्सेप्चुअली तो ओरिएंटल थॉट को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर व्हाट ओरिएंटलिज्म मीन इन टर्म्स ऑफ स्किन, इन टर्म्स ऑफ इंपीरियलिज्म और इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन हॉलीवुड फिल्म्स. असफंद यार, अच्छा जी, क्या कह रहे थे आप? राइट. ओके. मैंने आपसे जितना, मेरा ख्याल है कि इस वक्त क्लासरूम में काफी सारे लोग हैं, मैंने एक शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि किसी को एग्जाम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एनी क्वेश्चन? हाँ
आप कोशिश करें कि आज आज के दिन में अपलोड कर दें। वैसे तो मैंने, मेरा ख्याल है कि सुबह का किया हुआ, आज उसको कर दें, ठीक है। अर्लियर द बेटर। और आपकी, मैंने कहा था कि सेकेंड जी बताइए। नहीं, आपने आपने क्वेश्चन तो एक ही देना है मुझे। असाइनमेंट वन में जो दो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था वो मिड में मौजूद था। आप सिर्फ ये करिएगा कि आप अगर पहले असाइनमेंट वन अपलोड नहीं की हुई तो ट्राई अपलोडिंग इट इन बोथ द प्लेसेस। असाइनमेंट वन इसलिए ज़रूरी थी बिकॉज आई कुड गिव यू फीडबैक सोनर एंड यू कुड इम्प्रूव योर असाइन, यू नो, लाइक मिड टर्म तक वो पेपर फर्दर डिवेलप हो जाता ना। सो एनीबडी हु मिस्ड असाइनमेंट वन, उसको सिर्फ इतनी प्रॉब्लम होगी कि वो उसके पास उसको फर्दर डिवेलप करने का चांस नहीं रहा। दूसरी स्लॉट जो है वो 11 बजे तक आएगी, तो व्हाट आई विल डू कि मैं आप लोगों की 11 बजे सेकंड स्लॉट में अटेंडेंस लगा दूंगी। आज की स्लॉट में फिर हम डिस्कशन बिकॉज ऑफ एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट में ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आप सईद का वीडियो देख रहे हैं, इस पे अभी तक आप लोगों का कोई रिएक्शन है अबाउट एनी क्लिप, एनी पार्ट ऑफ द वीडियो दैट यू हैव सीन? जी नेहा, उसने बेसिकली उसने डिस्कशन में ये कही बात कि दे क्रिएटेड द अदर, सो वाइट मैन एक्चुअली क्रिएटेड द अदर विच वॉज बेस्ड ऑन कलर ऑफ स्किन। और ये जो अदर है उसको उसने बड़ा क्लियरली इस तरीके से डिस्क्राइब किया कि जो अदर जब क्रिएट हो गया तो इम्पीरियल थॉट डिवेलप हो गई, एंड इन दैट विद इन दैट इम्पीरियल थाट ईस्ट जो है दैट इज़ फुल ऑफ बारबैरिक पीपल, अनएजुकेटेड पीपल, जो कि उसने जो आपको इमेजेस दिखाई पेंटिंग्स में ऑफ ईस्ट, जिन पे लोग जो हैं, इवन अलादीन में वो उसने ये बात कहा कि पीपल, मतलब फॉर इंस्टेंस फॉर ट्रेवलिंग आप हॉर्सेज एंड म्यूल्स एंड कैरावान्स यूज़ करते हैं, यू डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी लाइक द वेस्ट। तो और उसके अलावा जब उसने कहा शुरू में कि इजिप्ट में फ्रेंच एंटर हुए टू क्रिएट नॉलेज अबाउट इजिप्ट बिकॉज दे हैड द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्ट आईज टू क्रिएट दैट नॉलेज, जबकि इजिप्ट के पास ना तो इतने रिसोर्सेज थे और ना इतनी एक्सपर्ट आईज थी, उनके यहाँ पीपल वर नॉट एकेडमिकली साउंड इनफ टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ नॉलेज। और जो फ्रांस ने नॉलेज क्रिएट की अबाउट इजिप्ट, उसने कहा कि उन बुक्स को इफ़ यू पुट टुगेदर तो वन स्क्वेयर मीटर में वो सारी बुक्स आ जाएंगी। तो ही सेड के इट वॉज अ ह्यूज वॉल्यूम जो कि इजिप्ट के बारे में फ्रांस क्रिएट कर सकता था बिकॉज फ्रांस हैड बोथ द रिसोर्सेज द मनी एंड एक्सपर्ट्स टू क्रिएट दैट नॉलेज। तो जब आप इतनी, जबकि इजिप्ट डिड नॉट हैव द सिमिलर एबिलिटी, ना इजिप्ट के पास इतनी नॉलेज थी ना इतनी एक्सपर्टीज थी कि वो फ्रांस के बारे में सिमिलर साइज ऑफ, यू नो, सेम साइज ऑफ वॉल्यूम ऑफ नॉलेज क्रिएट कर सके। सो बेसिकली उसकी बेसिस पे फिर वो ये कह रहा है कि ईस्ट के पास चूंकि इतने रिसोर्सेज ही नहीं है तो डिफरेंस एंड दी अदर इज क्रिएटेड राइट फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जो ईस्ट है वो बेसिकली बारबेरिक है। तो आपका ये इवेंचुअली जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ल्ड के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल गेन्स से जाके कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि फिर सिविलाइज्ड मैन कम्स टू द अनसिविलाइज्ड वर्ल्ड, जिसको वो कंट्रोल भी करेगा, उसको मैनेज भी करेगा, उसके इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए मॉडिफाई करेगा। क्योंकि सईद हिमसेल्फ इज सेइंग के इजिप्ट के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे एंड नॉट एनी अदर कंट्री इन द ईस्ट हैज सिमिलर रिसोर्सेज के वो वेस्ट का पैरेलल क्रिएट कर सके इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज, मनी, इकोनॉमिक्स, किसी भी किस्म के। तो वेस्ट ने जो, हॉलीवुड ने जो इमेज क्रिएट की हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले ओवर 100 ईयर्स, तो अब ये हो गया ना 120 ईयर्स हो गए, 115 ईयर्स जब से सिनेमा मौजूद है।
सिनेमा जो है वो सेम इमेज को रिप्रोड्यूस कर रहा है। मरियम, कोई कमेंट है आपका? मतीन, अच्छा, ऑल राइट। सो एंड्रयू या बुशरा, जो चीज़ें उसने सईद में कही उसमें से किसी चीज़ पे कोई कमेंट है फ्रॉम योर नॉलेज, फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस? फॉर इंस्टेंस आजकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें भी आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा? हाउ विल यू कनेक्ट प्रेजेंट सिनेरियो विद दिस द स्टेटस ऑफ द वेस्ट? ओके ग्रेट। सो आप ये कह रहे हैं कि इवन जो बॉलीवुड है वो सेम तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि हम तो उसको रिप्रोड्यूस कर दी सिमिलर इमेज और उससे हट के हमने कुछ भी नहीं क्रिएट किया। अच्छा चलो, दैट्स नाइस नेहा। मैंने वैसे एक ही क्वेश्चन कहा था एग्जाम के लिए, बट इट्स परफेक्टली फाइन अगर आपने दोनों किए हैं। नहीं बुशरा, बुशरा अपना उसको बिल्कुल नहीं देना, आप अपना जो है वो खुद ही वहाँ पे अपलोडेड रखें। ऑल राइट जी, बताइए। हाँ इस कोर्स का फाइनल, या शुरू में तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि थीसिस कैसा चल रहा है, क्योंकि आप में से मोस्टली आई बिलीव कि थीसिस स्टूडेंट्स हैं एक्सेप्ट परहैप्स वन और टू। हाँ नहीं, इस क्लासरूम में तो इस क्लासरूम में तो फाइनल एग्जाम मैंने अभी तक अपलोड नहीं किया है, एक दो और क्लासेस गुजरेंगी तो उसके बाद आई विल बी अपलोडिंग फाइनल एग्जाम क्वेश्चन पेपर। नहीं, वहाँ पे स्लॉट क्रिएट हुई भी होगी, क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। लेट मी चेक, आई थिंक फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नहीं अपलोड हुआ हुआ, इट मे हैव अ स्लॉट। हाँ, उसमें सबमिशन की जगह दी हुई है और डेट दी हुई है कि सबमिशन कब होगा ऐसी। ऑलराइट, आपके यहाँ पे अमेरिकन फैमिली फाइनल एग्जाम, ये देखें स्लॉट क्रिएट हुई हुई है कि फाइनल एग्जाम 11th मई को है और इसके नीचे कोई एज सच क्वेश्चन पेपर या मटेरियल नहीं है। जब मैं फाइनल एग्जाम पोस्ट करूंगी तो यहाँ मिड को टॉप से हटा दूंगी और मिड यहाँ चला जाएगा असाइनमेंट एंड एग्जाम्स में, और फाइनल एग्जाम जो है वो इसकी पोस्ट करने के बाद फाइनल एग्जाम को ऊपर पोस्ट कर दूंगी। राइट, यहाँ पे आपको कुछ और फिल्म्स वगैरह नज़र आ रही होंगी बिसाइड्स एवरी टॉपिक, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये फेम फटाल लिखा हुआ है, अमेरिकन फैमिली लिखा हुआ है, अमेरिकन फैमिली वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट रियलिटी शो एवर, 1970s का है।
इसके बाद उसमें राजा अमारी ये एक लिखी शॉर्ट हुआ करती थी यूट्यूब पे, कई सालों तक मौजूद होती थी, बट आई बिलीव कि राजा अमारी हैज़ रिमूव्ड इट नाउ। सो आई एम नॉट श्योर कि हम इसको डिस्कस कर सकेंगे, बट दिस फिल्म पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन अ मुस्लिम विडो जिसकी लाइफ चेंजेस आफ्टर सो मैनी ईयर्स, 13-14 ईयर्स, ओवर अ डेकेड उसकी जो नॉर्मल विडो लाइफ होती है इन ईस्ट, और फिर जब वो चेंज होती है इन इन अ मुस्लिम कंट्री, वो शी एक्चुअली लिबरेट्स हरसेल्फ। तो अगर आप में से किसी के पास नेटफ्लिक्स के कनेक्शंस हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें, बिकॉज इट्स एन इंटरेस्टिंग फिल्म। एंड आई थिंक कि राजा हमारी की ये फिल्म तो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई थी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। आप शायद, हो सकता है अगर आपको, सिवाय इसके कि यू आर लाइक पॉपुलर कल्चर, यू विल एन्जॉय वॉचिंग दिस फिल्म। काफ़ी अच्छी फिल्म है ये वाली। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो जो जहाँ जहाँ आपको फिल्म लिखी हुई नज़र आ रही है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसको क्लास से पहले ज़रूर देख लें। और जितने टॉपिक्स हैं, रीडिंग्स के अंदर भी फिल्म के टाइटल्स मेंशन्ड हैं, सो आई सजेस्ट कि ट्राई उसमें से। आपको फिल्म का टाइटल आइडेंटिफाई करना आसान होता है, बिकॉज आइटैलिक्स में लिखा होता है हर चीज़ के अंदर, तो उसको वहाँ से आप देख के उसको ट्राई ओपनिंग इट एंड ट्राई वॉचिंग इट टू। ठीक है, कोई क्वेश्चन या कमेंट है अभी तक? एनी क्वेश्चन? देखें, हमारा जो साउथ एशियन सिनेमा है, वेस्टर्न फिल्म फॉर इंस्टेंस, आपको जो हमने पहले खोला हुआ था, जो क्लिप स्टार्ट हो रहे थे लॉरेंस ऑफ अरेबिया से और ममी रिटर्न्स पे जाके ख़त्म हुए, उसमें तो आपको एक बड़ा एक चीज़ नज़र आती है कि फिल्म की जो सेटिंग है वो किसी ना किसी तरह उसमें सेटिंग में आपको ईस्ट के आपको लोकेशंस बड़ी क्लियरली नज़र आ रही होती हैं। ममी रिटर्न्स तो मोस्टली शूट ही शायद इजिप्ट की सेटिंग के अंदर हुई। ठीक है, तो आप उसमें, जबकि आपको जो आपका साउथ एशियन आपने बात की, साउथ एशियन में आपको वेस्ट की सेटिंग कितनी फिल्म्स में नज़र आएगी? मिसिसिपी मसाला जो है उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि उसमें साउथ एशियन, लेकिन वो उसके बारे में है, अबाउट द साउथ एशियन हु इज सेटल्ड अब्रॉड। जी, मरियम और असफंदियार, प्लीज अपने अपने माइक्स ऑफ करेंगे आप लोग। जी, ऑल राइट। मैं आपसे ये कह रही थी कि जो साउथ एशियन फिल्म्स में सिवाय इसके के मरियम, आई थिंक के मरियम है नहीं यहाँ पे, हालांकि उसके, हाँ वो काफ़ी देर से सो रही है। सो ऑल राइट, एंड्रू एंड बुशरा, ऑल राइट, आप, हाँ नेहा बुशरा और एंड्रू, आप तीनों के माइक्स ऑन हैं। ठीक है, ऑल राइट। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि जो आपका क्वेश्चन था साउथ एशियन पे, अक्षय की एक फिल्म थी चांदनी चौक टू चाइना, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि जो साउथ एशियन फिल्म्स हैं उनकी सेटिंग बहुत कम होती है अब्रॉड। मिसिसिपी मसाला में है, लेकिन वो अबाउट साउथ एशियन फैमिली, इंडियन फैमिली सेटल्ड अब्रॉड के बारे में है, जो कि प्रॉब्लम्स
उसका अगर आपने देखी भी है मिसिसिपी मसाला तो यू कैन सी के वो और तरह की फिल्म है। जबकि हॉलीवुड फिल्म चूंकि सेटिंग ही आपकी यूज़ कर लेती है ईस्ट के अंदर, तो वो मैनिपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन और तरह की होती है। तो वो बेसिकली तो जाके सईद की उसी बात से कोइंसाइड कर जाता है ना कि आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं हैं टू प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ थिंग अबाउट द वेस्ट। सो आपको मेरा ख्याल है कि वी कैन हार्डली कम अप विद अ लिस्ट ऑफ साउथ एशियन फिल्म्स या इवन पाकिस्तानी और बॉलीवुड फिल्म्स जिनको हम, हालांकि शमीम आरा की बहुत ज़्यादा फिल्म्स हैं जो उसने, जो कि आप कह सकते हैं कि कलेबरेशन में हैं, और उन फिल्म्स में फीमेल कैरेक्टर्स बड़े एक स्पेसिफिक तरह के नज़र आएंगे। शमीम आरा की अगर आप लिस्ट ऑफ फिल्म्स देखेंगे तो उसकी, उसमें आपको काफ़ी सारी साउथ एशियन कंट्रीज, मिस कोलम्बो फॉर इंस्टेंस इज वन, तो शमीम आरा की आपको नज़र आएंगी कि जिसमें आपको वो फॉरेन सेटिंग नज़र आ रही है। लेकिन वो फॉरेन सेटिंग में तो अबाउट, इट्स नॉट अबाउट इम्पीरियल और वाइट वुमन तो नहीं है ना उसका फोकस, तो फिर मिस कोलम्बो में तो वुमन वुड बी फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर फिल्म जो है वो शमीम आरा वुमन को जितना भी इंडिपेंडेंट दिखा रही हो वो एंड ऑफ द डे फिल्म्स जो हैं वो रोमांटिक म्यूजिकल्स ही होंगे किसी ना किसी तरह से। सो यू कैन एक्चुअली ट्राई सीइंग कि शमीम आरा अपनी फिल्म्स के अंदर, क्योंकि अगर आप शमीम आरा की फिल्म के टाइटल्स देखेंगे तो काफ़ी सारे टाइटल्स में आपको इंटरनेशनल कलेबरेशंस नज़र आ जाएंगी। जी जी माई नेम इज़ खान की बात तो नहीं कर रहे? माई नेम इज़ खान, हाँ प्रीति जिंटा के साथ जो फिल्म है, प्रीति जिंटा के साथ फिल्म है ना जिसमें कैंसर में उसकी डेथ होती है। कल होना हो, जी जी कल होना हो, मैं यही कही थी कि कल होना हो में अमेरिकन सेटिंग है। आप अपनी बात कंप्लीट करें कि विद दैट सेटिंग आप क्या कह रहे हैं कि वो अपने आप को कह रहा है कि आई एम बेटर देन वाइट मैन, ये कह रहे थे आप? जी जी अच्छा, कल किसी ने एक व्हाट्सएप पे क्लिप शेयर किया हुआ था एक हॉलीवुड फिल्म का, कोई 9 साल पुरानी फिल्म है, मैं उसको ढूंढ के गूगल क्लासरूम में आप लोगों को ना पोस्ट कर दूंगी, जहाँ पे ये मैंने स्ट्रीम पोस्ट की थी ना, लिंक पोस्ट किया था क्लास का, वहीं पे पोस्ट कर दूंगी। सो आपकी, आपने जो बात कही है वो एग्जैक्टली प्रिसाइजली उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि वो जो क्लिप शेयर हुआ था वो कोरोना वायरस की कोई हॉलीवुड फिल्म है 9 ईयर ओल्ड, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस इज़ अटैकिंग द वर्ल्ड, और अमेरिकन वुमन चाइना में जाती है और एंड शी ईट्स यू नो कोई बर्गर खाती है जिसमें पिग हैमबर्गर टाइप चीज़ जो आप कह लें, और एंड पिग जो है उसने कोई बैट का छोड़ा हुआ कोई फूड खा लिया होता है, तो शी हैज़ द वायरस, शी गेट्स द वायरस देन शी डाइज।
अमेरिका वापस आती है, हरसान ऑल्सो डाइस, और पुलिस फिर उसके हस्बैंड को अरेस्ट करके ले जाती है हॉस्पिटल में, दे टेस्ट, और फाइनली WHO के दो डॉक्टर्स डाई, एंड देन WHO वाइट मैन कम्स एंड रेस्क्यूज द वर्ल्ड। जो आपने बेसिकली बात की, तो वो एक्चुअली सेवियर तो हमेशा वाइट मैन को ही दिखाते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एजुकेशन एडवांसमेंट, जो सईद भी कह रहा था, उसकी वजह से। बाकी जो आपने कहा कल हो ना हो के बारे में, कल हो ना हो में के मुख्तलिफ सीन्स में आपको के सिनेमा की, तो असल में फिल्म की एडवांटेज ये होती है ना कि यू कैन चीट लोकेशंस। तो कल हो ना हो में उसको अमेरिकन बैकड्रॉप दिखाने के बावजूद आपको यू हैव टू सी कि कितने शॉट्स में अमेरिका इट्सेल्फ नज़र आ रहा है। रानी मुखर्जी की तो अक्षय के साथ भी फिल्म मौजूद है अमेरिकन लोकेशन के साथ, सॉरी अक्षय कह रही हूँ, रानी मुखर्जी एंड इसका अमिताभ बच्चन और के साथ जो जो है ना, तो उसमें भी आप देख रहे होंगे कि अमेरिकन लोकेशंस, कल हो ना हो में लोकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, और वाइट मैन की का जो कॉन्ट्रास्ट है वो फिल्म ने डेवलप ही नहीं किया कि वाइट मैन, चूँकि जो मिसिसिपी मसाला है, मिसिसिपी मसाला में तो आपका वाइट प्रोटैगनिस्ट तो नहीं है, डेंजल वॉशिंगटन इज द प्रोटैगनिस्ट, तो ब्राउन स्किन की अगेंस्ट ब्लैक स्किन है उसके अंदर। तो बेसिकली आपको जस्ट ट्राई टू सी कि जो भी अगर बॉलीवुड फिल्म्स हैं भी, तो बॉलीवुड फिल्म्स में वाइट मैन की रिप्रेजेंटेशन एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, जबकि लॉरेंस ऑफ अरेबिया से ममी रिटर्न्स तक, खरतूम और बाकी फिल्म्स के जितने भी शॉट्स आपको नज़र आ रहे थे उसमें वाइट और ब्लैक स्किन का डिफरेंस बड़ा क्लियरली एस्टेब्लिश किया गया, राइट। सो हमारी जो फिल्म है वो फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो वाइट और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट नहीं डिवेलप करती ना, कॉन्ट्रास्ट इवन इन टर्म्स ऑफ के जो वाइट मैन ने या हॉलीवुड ने जो इमेज एस्टेब्लिश किया है फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी फिल्म तो उसका कोई उसको नेगोशिएट करने के लिए या उसको उसके रिड्रेसल के लिए भी कोई इमेज या साउंड या डायलॉग्स कोई क्रिएट नहीं करती। Have I answered your question, Mati? हाँ, it's othering जो है, othering में तो economic difference is part of othering. रिसोर्सेस, पॉलिटिकल डिफरेंस, एजुकेशन, सिविलाइजेशन, सारा कुछ उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ओके, मैं लेट मी मार्क योर अटेंडेंस, फिर गलत स्लॉट खुल गया जी। ओके, मैं सबकी अटेंडेंस लगा रही हूँ एक्सेप्ट दाऊद रामे, unfortunately because somehow I haven't seen him at all. Okay, all right, abhi I think ke aapke ye aa nahi raha, let me do it again. Koi question hai, I would suggest ki ye wala jo hai iska Edward Said ka video aap zarur dekh lijiyega before next class, theek hai, और गूगल क्लासरूम में इसका लिंक मौजूद है, और अटेंडेंस के बाद आई लेट यू गो फॉर टुडे, अनलेस कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस डिस्कशन को जारी रखूं तो आई कैन गो थ्रू द आर्टिकल। जी बताइए, क्या मरियम इज बैक एंड शी इज टॉकिंग? हमने आपको पूरी क्लास में बार बार आवाजें दी, मरियम मरियम।
नहीं, आपको एमएलए में नहीं करना, एमएलए यूज़ करते हैं अंग्रेजी वाले लैंग्वेजेस वाले, आपने एपीए में करना है, ठीक है? सो जस्ट यूज़ एपीए, रिमेंबर टू गिव कोट्स, एकेडमिक कोट्स बहुत ज़रूरी हैं, अखबारी आर्टिकल्स की कोट्स की बेसिस पे आपका ऐसे वीक हो जाएगा, सो प्लीज़ एकेडमिक कोट्स यूज़ करें, और जो क्लास रीडिंग्स हैं उसमें से कोट्स ज़रूर यूज़ करें। ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? आप लोगों को आई सेड कि आई लेट यू गो एंड यू फिनिश योर एग्ज़ाम, और अनलेस कि यू वांट कि ये मैं आर्टिकल, कौन कौन चाहता है कि ये मैं आर्टिकल डिस्कस कर लूँ, और वी डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर द एग्ज़ाम। हाँ, मैंने असल में इसको फुल स्क्रीन किया हुआ था, और इसमें हैंड रेज ऑप्शन तो थी। ऑल राइट जी, जिसने जिसका कोई क्वेश्चन है वो आप अपना माइक ऑन करके जी बताइए। ऑल राइट, मैंने आपसे कहा कि आप एग्ज़ाम कंप्लीट करके अपलोड कर दीजिएगा, यू कैन गो अगर आपने जाना है आज की क्लास के लिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास तो आपको पूरी अटेंड करनी पड़ेगी। ऑल राइट, दैट्स फाइन, ठीक है, ओके एवरीबडी, ओके, थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर, ओके, खुदा हाफिज़।